स्टोरी विद अरुण पर आप लोग सुन रहे हैं कर्नल रंजीत की लिखी सस्पेंस थ्रिलर और मिस्ट्री उपन्यास वुडी परछाई। आज के एपिसोड में आप लोग सुनिए इस नॉवेल की छठी कड़ी आरजे अरुण के साथ। मेजर ने मालती की कहानी सुनकर कहा, मुझे संदेह था कि विनीता उस गोरे आदमी को जानती है, मैंने इसलिए तुम्हें उसके पीछे भेजा था। लेकिन मद्रासी नौजवान की इस बात ने कि विनीता एक कॉल गर्ल थी, विनीता और गोरे आदमी के परिचय के सारे महत्व को ही समाप्त कर दिया। आपका विचार था कि कपूर और विनीता में कोई गहरी साजबाज थी, सोनिया ने पूछा। हाँ, मेरा यही विचार था, मेजर ने कहा। क्या आपका विचार बदल गया है कि कपूर एक साधारण व्यक्ति था, दुश्मन के साथ उसका कोई संबंध नहीं था और विनीता तथा कपूर के बीच केवल पैसे और मन बहलाव का संबंध था, डोरा ने कहा। हाँ, इस समय तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन मालती की रिपोर्ट से तीन महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। अगर विनीता कॉल गर्ल थी और विभिन्न लिबासों में कपूर के पास आया करती थी तो उसका अपहरण क्यों किया गया? क्या अपहरण करने वाले कपूर के आदमी थे? मेजर ने कहा। मेरा विचार है कि वे कपूर के आदमी नहीं थे, वे स्थानीय गुंडे मालूम होते थे, मालती ने कहा। रहा कपूर का प्रश्न, वो मुझे कोई अयास अंग्रेज मालूम होता है। सुधीर, तुम मालती को कपूर के ऑफिस का पता ले लो और जाकर मालूम करो कि इस नाम का कोई आदमी वहाँ काम करता है या नहीं, मेजर ने सुधीर से कहा। लेकिन मालती की रिपोर्ट से ये तो मालूम हो नहीं सका कि वो किस देश के व्यापारी डेलीगेशन का उच्च अधिकारी था, सुधीर ने कहा। तुम अच्छे जासूस हो, मेजर ने कहा। कपूर ऐसा नाम है जिसका केवल 3-4 पश्चिमी देशों से संबंध हो सकता है। तुम प्रत्येक पश्चिमी देश के ट्रेड डेलीगेशन का पता डायरेक्टरी में देखकर कपूर को ढूंढने की कोशिश करो। सुधीर बहुत शर्मिंदा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ गया। ठहरो सुधीर, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, डोरा ने कहा। मेजर मुस्कुराया, वो जानता था कि डोरा और सुधीर का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसने मालती और सोनिया की ओर मुंह फेर कर कहा, एक बात की आशा कर रहा हूँ, अगर ये बात सामने आ गई तो मैं इस केस का थोड़ा सा रहस्य जान जाऊँगा। वो बात क्या है, मालती ने पूछा। वो बात मैं अभी नहीं बता सकता, वैसे जिस बात की मुझे आशा है वो बहुत शीघ्र सामने आ जानी चाहिए, मेजर ने कहा। मालती और सोनिया ने मेजर से कोई प्रश्न किया। मालती ने सुबह से मुंह हाथ तक ना धोए थे, वो बाथरूम में चली गई और सोनिया ने मेजर के पास आकर उसके गले में बाहें डाल दी और बोली, हत्या के केसों को हल करते समय आपको कितने भयंकर मानसिक उद्रेक का सामना करना पड़ता है, ये आप ही की हिम्मत है कि आप इस मानसिक उद्रेक को सहन कर लेते हैं। सोनिया लिपट लिपट कर मेजर को प्यार करने लगी। प्यार में कभी कभी दीवानगी पैदा हो जाती है, उस समय प्यार अपनी समस्त सीमाओं को पार कर जाता है, उस समय वदन से वदन के स्पर्श मात्र से झंझनाहट पैदा हो जाती है। मेजर अपने शरीर में ऐसी ही झंझनाहट अनुभव कर रहा था जैसे समूचे बदन में संगीत भरे स्वर झंझना उठे हो। मेजर को उस समय सचमुच नारी के प्यार की आवश्यकता थी। नारी का प्यार मनुष्य के मन और मस्तिष्क को शक्ति, चेतना और स्फूर्ति प्रदान करता है। मालती बाथरूम से लौटी तो मेजर पलंग पर लेटा सुस्ता रहा था। सोनिया इजी चेयर पर लेटी कोई उपन्यास पढ़ रही थी। मालती ने मेजर से कहा, दिल उदास हो, निराशा और असफलता मुंह फाड़े खड़ी हो तो ऐसे में शेर सारी शारीरिक और मानसिक थकान मिटाकर एक नई चेतना भर देता है, क्यों न एक शेर हो जाए। मालती, इस समय सचमुच तुमने मौके की बात याद दिला दी, मेरे दिमाग में देर से एक शेर मच्छर की तरह चक्कर काट रहा है। सुनो शेर, सुनो, तनका जोवन जो निकाला तेरी अंगड़ाई ने, कर ली नीचे को नजर आखिर को तमाशाई ने। मालती ने फव्वारे की तरह हंसी छोड़ते हुए कहा, क्या शेर फरमाया है, जी चाहता है कलेजा निकाल कर आपकी भेंट कर दिया जाए। सोनिया मेजर के शेर पर कम लेकिन मालती की बात पर अधिक हंसी। उसने कहा, मालती तुमने मुझे अच्छी याद दिला दी, आज लंच पर भुनी हुई कलेजी खाई जाएगी। सब हंसने लगे। लंच के बाद वे सब आराम कर रहे थे कि डोरा और सुधीर वापस आ गए। दोनों ने एक साथ सम्मिलित स्वर में रिपोर्ट प्रस्तुत की। कपूर नाम का कोई भी व्यक्ति
किसी भी देश के ट्रेड डेलीगेशन में काम नहीं करता। क्या तुमने कपूर का हुलिया बताया था? जी हाँ, लेकिन सभी ने यही कहा कि इस हुलिए का कोई आदमी उन्होंने कभी देखा ही नहीं। मेजर के होंठ गोल हो गए और वो सीटी बजाने लगा। वो उठकर पार्टीशन के पीछे चला गया। उसने कपड़े बदले और फिर बाहर आकर कहा, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, क्रोकोडाइल को अपने साथ ले जा रहा हूँ, तुम लोग डॉक्टर बनर्जी की निगरानी करना। क्या डॉक्टर बनर्जी को कोई खतरा है? सोनिया बोली। हम सभी खतरे में हैं, मेजर ने कहा। आप हमसे खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे? डोरा बोली। अभी इसका समय नहीं आया, मेजर ने कहा और बाहर चला गया। उसने क्रोकोडाइल को अपने साथ लिया और इंस्पेक्टर सचदेव के थाने की ओर चल दिया। इंस्पेक्टर सचदेव ने बड़े तपाक से मेजर का स्वागत किया। मेजर ने उससे पूछा, मैं एक विशेष बात का पता करने आया हूँ। किस बात का? इंस्पेक्टर ने पूछा। इंस्पेक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस शहर में ऐसे ठिकाने कितने हैं जहाँ कॉल गर्ल मिलती है। मेजर के इस प्रश्न पर इंस्पेक्टर गहरी सोच में पड़ गया। इंस्पेक्टर को चुप देकर मेजर ने कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने एक टेढ़ा प्रश्न किया है, आप इसका उत्तर देने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ठिकाने पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं हो सकते। इसका कारण ये है कि जिस इलाके में इस तरह के ठिकाने होते हैं वो ठिकाने उस इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर की ऊपरी आमदनी का एक बड़ा साधन होते हैं। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर आपस में बातचीत करते समय ऐसे ठिकानों की चर्चा जरूर करते होंगे। ऐसे कुछ ठिकाने तो अखबारों और जनता के हल्ला गुल्ला करने पर समाप्त कर दिए गए हैं, फिर भी ऐसे दो तीन ठिकाने अभी भी हैं। हाल ही में साउथ एक्सटेंशन में हाई स्टैंडर्ड का एक ठिकाना खुलने की सूचना मिली है, लेकिन उसके बारे में अभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, इंस्पेक्टर ने कहा। ये किस ढंग का ठिकाना है? मेजर ने पूछा। केवल लड़कियों के लिए शॉर्ट हैंड और टाइपिंग सिखाने का एक स्कूल खोला गया है। इस स्कूल के मालकिन या व्यवस्थापिका एक यूरोपियन स्त्री है, उसका नाम कैथलीन है, अधेड़ उम्र की है लेकिन सुंदर है, शायद विधवा है। लेकिन पुलिस मिसेज कैथलीन के इस स्कूल को कॉल गर्ल का ठिकाना क्यों समझती है? इस स्कूल में एडमिशन लेने वाली लड़कियों का टेस्ट दिया जाता है, टेस्ट के बाद एडमिशन मिलता है, एडमिशन की स्वीकृति मिसेज कैथरीन देती है। अभी तक केवल 5 लड़कियों को ही एडमिशन मिल पाया है। आप ही सोचिए, केवल 5 लड़कियों की फीस के सहारे इतना शानदार स्कूल कैसे चल सकता है? पुलिस को इस स्कूल के कारोबार पर संदेह है। पुलिस का संदेह उचित है। क्या आपको मालूम है कि इस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों का समाज के किस वर्ग से संबंध है? मुझे मेरे मित्र इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण ने बताया कि उनमें तो 2 घरेलू स्त्रियां हैं, एक कॉलेज की छात्रा है, 2 लड़कियां हायर सेकेंडरी पास करने के बाद टाइपिंग सीख रही है। खूब, मेजर ने कहा। ऐसे ठिकानों में कॉल गर्ल इसी टाइप की मिलती है, कॉलेज की लड़कियां जिन्हें तफरी का चस्का लग जाता है, घर एकाकर कि कॉलेज आ रही है ऐसे ठिकानों पर पहुँच जाती है। वे घरेलू स्त्रियाँ होती हैं जिनकी आवश्यकताएँ अधिक होती है और आमदनी कम होती है। तीसरा स्थान गरीब लड़कियों का है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि साउथ एक्सटेंशन में ये टाइपिंग स्कूल कॉल गर्ल का ठिकाना है। ये ठिकाना कब खुला? 3 सप्ताह हुए, इंस्पेक्टर ने बताया। क्या आपको इस स्कूल का सही पता मालूम है? मेरा मित्र इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण मुझे इस स्कूल में ले गया था। आप भी रंगीन मिजाज मालूम होते हैं, मेजर ने शरारत से कहा। इंस्पेक्टर सचदेव झेप गया। मेजर ने उसकी झेप मिटाने के लिए कहा, हाँ तो इस स्कूल का पता क्या है? साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 में साहिना रेस्तरा के पीछे सूरजमुखी नाम की एक बिल्डिंग है, उसके ग्राउंड फ्लोर में ये स्कूल है। स्कूल का नाम है नवाजीवन। मेजर बलवंत ने पटन नोट कर लिया। वो कुर्सी पर से उठा और क्रोकोडाइल की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, चलो बेटा आज चल कर जरा अपने जौहर दिखाओ। वास्तव में इंस्पेक्टर सचदेव से बातें करते हुए उसे एक महत्वपूर्ण बात याद आ गई थी। इंस्पेक्टर सचदेव के थाने से निकलकर मेजर महारानी बाग में पहुंचा। मालती की रिपोर्ट के अनुसार वो उस बंगले में जाकर उस मद्रासी नौजवान से मिला। उसने अपना परिचय देने के बाद मद्रासी नौजवान से पूछा, आज सुबह कितने बजे कपूर अपना सामान ले गया था? लगभग 9:30 बजे, मेजर सोचने लगा। आज सवेरे ही झड़प होने के फौरन बाद कपूर अपना सामान क्यों ले गया? क्या कपूर ने आज यहाँ से जाने की सूचना पहले दी थी? नहीं, वो एकदम
अचानक ही चला गया। असल में दो आदमी दो ट्रक लेकर आए थे। उन्होंने 15 मिनट तक कपूर से बातचीत की और फिर उसका सामान ट्रक पर लादना शुरू कर दिया। वो दो आदमी कौन थे, क्या गोरे थे, मेजर ने पूछा। उनमें एक गोरा था और दूसरा पहाड़ जैसा आदमी था। मेजर को फिर वो दैत्याकार आदमी याद आ गया जो डॉक्टर ढींगरा की नौकरानी छुटकी को रूपलाल पनवाड़ी की दुकान पर मिला था और जिसने रिखी और मिल्खी नामक बदमाशों को 1,000 रुपये देकर यशंत राय के बहनोई के घर में आग लगवाई थी। क्या आपने यहाँ से जाते हुए कपूर की भावभंगिमा में कोई विशेष बात देखी थी? एक बात पर मैं अभी तक विचार कर रहा हूँ। मेरा विचार है कि कपूर को यहाँ से दबाव डालकर जबरदस्ती ले जाया गया है। आने वाले ने बंद कमरे में कपूर से बातचीत की। कपूर बाहर आया तो उसका रंग हल्दी की तरह पीला पड़ गया था। फिर उसका सामान बिजली की सी तेजी के साथ ट्रकों पर ला दिया गया। ये सुनकर मेजर के होठ गोल हो गए, लेकिन उसने इस बार सीटी बजाने से अपने आप को रोक लिया। मेजर बलवंत नीचे आया। कपूर के फ्लैट के दरवाजे खुले पड़े थे। वो अंदर चला गया। कपूर का वहाँ कोई भी सामान छोड़ा नहीं गया था। बाथरूम में मेजर को एक बनियान मिली जो कपूर की हो सकती थी। मेजर ने वो बनियान उठा ली और फिर क्रोकोडाइल नामक अपने उस पालतू कुत्ते को प्यार से अपने पास बुलाकर वो बनियानों से सुंघा दी। मेजर बलवंत ने क्रोकोडाइल को सड़क पर छोड़ दिया और उसके पीछे पीछे कार चलाने लगा। क्रोकोडाइल नामक वो ट्रेंडी कुत्ता बंदूक में से निकली गोली की तरह दौड़ रहा था। मेजर बलवंत ने स्वप्न में भी न सोचा था कि क्रोकोडाइल उसे उसी जगह ले जाएगा जहाँ वो जाना चाहता था। क्रोकोडाइल मेजर को साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 में नवजीवन स्कूल के सामने ले गया। स्कूल बंद था। उसके सदर दरवाजे पर एक भारी ताला पड़ा हुआ था। मेजर ने मास्टर चाबी से ताला खोला और दरवाजे का एक पट हटाकर जैसे ही अंधे की ओर कदम बढ़ाया वो झिझक गया। उसने कमरे के अंदर एक ऐसा दृश्य देखा कि वो अपनी आंखों पर हाथ रखने के लिए बेवश हो गया। एक मेज के ऊपर किसी नारी के धड़ के टुकड़े रखे हुए थे और टुकड़ों के उस ढेर पर एक कटा हुआ सिर रखा हुआ था। मेजर बलवंत ने आंखों पर से हाथ हटा लिया। वो कमरे में आ गया। धड़ के टुकड़े के ढेर के ऊपर विनीता का सिर था। बहुत ही तेज धार वाले हथियार से विनीता के धड़ के टुकड़े किए गए थे और उसका सिर उसकी दोनों छातियों के बीच रखा हुआ था। मेजर ने ऐसी क्रूरतापूर्ण हत्या कभी नहीं देखी थी। मेजर 2 मिनट तक विनीता के धड़ के टुकड़ों पर रखे उसके सिर को देखता रहा। वो तत्काल भाप गया कि विनीता के बदन के टुकड़े इस कमरे में नहीं किए गए। उसकी लाश के साथ पाशविक व्यवहार करने के बाद उसे यहाँ लाया गया है। मेजर देखने लगा कि उसकी हत्या किस प्रकार की गई। विनीता के सिर के नीचे नारी का जो धड़ रखा हुआ था, क्या वो विनीता का ही धड़ है? मेजर की निगाह एक कटे हुए हाथ पर पड़ी। उसे उस हाथ पर मच्छर के काटने से पैदा होने वाला छाला दिखाई दिया। आज सवेरे ही एक जहरीले मच्छर ने विनीता के हाथ पर काटा था। मेजर की नज़रें विनीता के हाथ पर पड़े छाला पर जमकर आ गई। छाला बहुत ही पीला हो गया था। मेजर को याद आया कि उसने सुबह विनीता का छाला फोड़कर उसका जहरीला मवाद निकाल दिया था। डॉक्टर बनर्जी ने उसे दवा भी दे दी थी, फिर छाला इतना बड़ा और इतना अधिक पीला कैसे पड़ गया? इसका क्या कारण हो सकता है? मेजर उस छाले को देखकर कांप उठा। क्या डोरा का छाला भी इस तरह फैल जाएगा? वो दोबारा खतरनाक रूप ग्रहण तो नहीं कर लेगा? विचारों में डूबा मेजर बलवंत दूसरे कमरे की ओर बढ़ा जिसका दरवाज़ा अंदर की ओर खोलता था। दरवाज़ा बंद नहीं था। मेजर ने उस कमरे के अंदर कदम रखा तो एकदम पीछे हट गया। उसका हाथ उसके रिवॉल्वर पर जा पड़ा। ये देख क्रोकोडाइल प्रश्न भरी निगाहों से अपने मालिक की ओर देखने लगा। क्रोकोडाइल एक लंबी चौकड़ी मारकर उस कमरे के अंदर जाने लगा तो मेजर ने उसे दुम से पकड़कर पीछे खींच लिया। मेजर ने अपने हाथ में रिवॉल्वर तान लिया और फिर कमरे में कदम रखा। सामने एक सोफे पर एक गोरी स्त्री सोफे के बाजू पर सिर रखकर लेटी थी। सोफे के सामने एक गद्देदार कुर्सी पर कपूर बैठा हुआ था। उसकी गर्दन उसके सीने पर ढलकी हुई थी। उसकी कोहनियाँ कुर्सी के बाजुओं पर टिकी हुई थी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मेजर के पीछे खड़ा क्रोकोडाइल धीरे धीरे चीख रहा था जैसे कुत्ता किसी मौत पर रोया करता है। मेजर सतर्कता से कदम रखता हुआ सोफे और गद्देदार कुर्सी के पास पहुंचा। उसे अपना पहला विचार परिवर्तित करना पड़ा कि वे दोनों थक कर ऊँग रहे हैं।
उनके चेहरों की दशा देखकर मेजर ने अपना रिवॉल्वर जेब में रख लिया और फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने मिसेस कैथलीन की गर्दन पर एक बहुत बड़ा छाला देखा और वैसा ही छाला कपूर के गाल पर था। मेजर ने मिसेस कैथलीन के होठ खोलकर देखे, उसके तालू पर गहरा नीला निशान था। ऐसा ही निशान कपूर के तालू पर भी था, लेकिन निशान उन निशानों से भिन्न थे जो उसने पहले देखे थे। मेजर उठकर टेलीफोन खोजने लगा। टेलीफोन उसे स्कूल के तीसरे कमरे में मिला। ये कमरा सामान से भरा हुआ था, शायद ये कपूर का सामान था जो आज सवेरे ही लाया गया था। मेजर टेलीफोन को भूल गया और कपूर के सामान की तलाशी लेने लगा। उसके सामान में कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं मिली, न ऐसे कागजात ही मिले जिनसे उसके विषय में कुछ पता चल पाता। उसके सामान में एक फ़ोटो मिला जिसमें वो मिसेज कैथलीन के साथ खड़ा हुआ था। फोटो के पीछे लिखा था, विवाह की 17वीं वर्षगांठ पर 16 अक्टूबर 1969। मेजर सोचने लगा, तो मिसेज कैथलीन और कपूर पति पत्नी थे, इनको क्यों मारा गया? क्या ये दुश्मन के आदमी थे या दुश्मन के हाथों में खेल रहे थे? मेजर ने इस समय इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश तक की। उसने पहले इंस्पेक्टर सचदेव को और फिर डॉक्टर बनर्जी को फ़ोन किया। इंस्पेक्टर सचदेव और डॉक्टर बनर्जी को मेजर की इस सूचना पर बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले इंस्पेक्टर सचदेव अपनी टीम लेकर पहुंचा। उसने आते ही हंसते हुए कहा, मेजर साहब, हत्याओं की लहरें आपके पीछे पीछे चलती है, यूँ कहिए कि मेरे आगे आगे चल रही है। मेजर ने कहा, एक ऐसा केस है जिसमें लाशों का अंबार लगाया जा रहा है। भारी संख्या में इंसानों की इतनी क्रूरता और तेजी से हत्या करने के पीछे कोई गहरा षड्यंत्र हो सकता है। आपका विचार ठीक है। पुलिस का डॉक्टर मेजर को संतुष्ट न कर सका। वो कपूर और उसकी पत्नी कैथरीन की मृत्यु का ठीक समय भी न बता सका। डॉक्टर बनर्जी आए तो मेजर ने उनसे प्रार्थना की कि वे मिस्टर और मिसेज कपूर की लाशों की ध्यान से जाँच करें और उनकी मृत्यु का ठीक ठीक समय बताएं, क्योंकि मृत्यु के सही समय का हत्या की नई घटनाओं में महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर बनर्जी विभिन्न यंत्रों और औजारों के साथ लाशों की जांच में 20 मिनट तक व्यस्त रहे। फिर उन्होंने कहा, इस समय शाम के 3 बजे हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इन दोनों की मृत्यु अब से 3 घंटे पहले हुई है। मेजर सोचने लगा, सुबह 7:30 बजे कपूर से उसकी मुठभेड़ हुई थी। मालती विनीता के पीछे सुबह 8:30 बजे रवाना हुई। 8:30 बजे से पहले ही कपूर को महारानी बाग के फ्लैट से ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया। सुबह लगभग 9:15 बजे विनीता का अपहरण किया गया, जिसकी रिपोर्ट मालती ने 10:10 बजे आकर दी। लगभग 11 बजे विनीता कपूर और कैथरीन को मार डाला गया। इस प्रकार इन दोनों की मृत्यु के समय के संबंध में डॉक्टर बनर्जी का अनुमान सही था। मेजर ने डॉक्टर बनर्जी से कहा, एक बात और महत्वपूर्ण है, विनीता की हत्या तेज धार वाले हथियार से की गई है। कपूर और उसकी पत्नी को मच्छर से कटवा कर मारा गया, लेकिन प्रश्न ये है कि मच्छर के काटने से कपूर और उसकी पत्नी की मृत्यु इतनी जल्दी कैसे हो गई? मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? अब तक मैंने और अपने आपने जितने भी केस देखे हैं, उन पर मच्छर के जहर का असर कभी 4 घंटे बाद हुआ, कभी 2 दिन बाद हुआ और किसी केस में इससे भी अधिक समय लगा। लेकिन कपूर और उसकी पत्नी के केस में मच्छर के जहर का प्रभाव तत्काल हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुश्मन ने यह प्रकट करने के लिए कि कपूर और उसकी पत्नी की मृत्यु मच्छर से काटने से हुई है, इन दोनों को कोई और जहर दे दिया हो? मैं आपके इस विचार का समर्थन नहीं कर सकता, मेजर बलवंत ने कहा। मेरा अनुमान है कि इन दोनों की मृत्यु मच्छर के काटने से हुई है, एकाकर मेजर ने इंस्पेक्टर सचदेव से कहा। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप इन दोनों लाशों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट घंटे भर में प्राप्त कर सकते हैं? क्यों नहीं, मैं ये लाशें अभी मुर्दा खाने में भिजवा देता हूँ। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर तत्काल अपना काम शुरू कर देगा, इंस्पेक्टर सचदेव ने कहा। इंस्पेक्टर सचदेव ने पुलिस मैन में कपूर और कैथरीन की लाशें एक कांस्टेबल के साथ आवश्यक निर्देश देकर भेज दी। मेजर ने डॉक्टर बनर्जी से कहा, डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। अगर आपने इसका उत्तर दे दिया तो मुझे आशा है कि मैं इस केस का कुछ न कुछ रहस्य अवश्य जान लूँगा। आप क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर बनर्जी ने कहा।
डॉक्टर साहब, बहुत से रोग ऐसे होते हैं कि जब ये किसी व्यक्ति पर आक्रमण करते हैं तो रोग मुक्त हो जाने के बाद उस व्यक्ति में उस रोग का सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है, अर्थात वे रोग फिर उस व्यक्ति पर आक्रमण नहीं कर पाते। चिकित्सा शास्त्र के संबंध में मेजर बलवंत का ज्ञान देकर डॉक्टर बनर्जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने मुझसे ये प्रश्न क्यों किया? मैंने प्रश्न इसलिए किया है कि दुश्मन विनीता को भी मच्छर से कटवाकर तत्काल मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका अर्थ यही हो सकता है कि मच्छर एक बार विनीता को काट चुका था। मैंने उसके हाथ का छाला फोड़कर जहर निकाल दिया था और विनीता अच्छी हो गई थी। मच्छर का जहर दोबारा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि उसके शरीर में मच्छर के जहर को नष्ट करने की शक्ति उत्पन्न हो गई थी। ओह, आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर संकेत कर रहे हैं। आपका तात्पर्य ये है कि जो लोग मच्छर के काटने के बाद अच्छे हो चुके हैं, अगर दुश्मन उनको मारना चाहेगा तो मच्छर के जहर का उन पर प्रयोग नहीं करेगा और उन्हें मारने के लिए उसे दूसरे ढंग अपनाने होंगे। मेरा तात्पर्य यही है, मेजर ने कहा। फिर भी आप ये बताइए कि आपके इस प्रश्न के पीछे क्या रहस्य है? डॉक्टर बनर्जी बोले, मैं होटल में चलकर आपको बताऊंगा कि मेरे इस प्रश्न के पीछे क्या रहस्य है और मैंने वर्तमान केस के विषय में अपनी क्या राय निश्चित की है। चलिए यहाँ से चले, डॉक्टर बनर्जी ने कहा। मेजर ने इंस्पेक्टर सचदेव से कहा कि कपूर और कैथलिन की लाशों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेघदूत होटल पहुँचा दे। फिर डॉक्टर बनर्जी के साथ नवजीवन स्कूल के दरवाजे की ओर बढ़ गया। क्रोकोडाइल जो अपनी अगली टांगों पर मुँह रख के उंग रहा था तेजी से उठा और मेजर के पीछे चल दिया। मेघदूत होटल में पहुंचकर मेजर डॉक्टर बनर्जी के साथ उनके कमरे में चला गया। दोनों 15 मिनट तक बंद कमरे में बैठे बातें करते रहे। जब मेजर अपने कमरे में जाने के लिए उठा तो डॉक्टर बनर्जी उसे दरवाजे तक पहुंचाने आए और दरवाज़ा खोलकर बोले, मेजर साहब, आप आश्चर्यजनक व्यक्ति हैं। आप अपने जो संदेह प्रकट किया है, मुझे वही संदेह कुछ समय पहले हुआ था, इसलिए मैंने अपने असिस्टेंट डॉक्टर कालिया को यहाँ राजधानी में भेजा था। अब जबकि हम दोनों के विचार एक हो गए हैं, तो मेरा विचार है कि दुश्मन तक पहुँचना कठिन नहीं होगा। मैं केवल इस बात से परेशान हूँ कि मेरा असिस्टेंट सुग्रिया जन रजरत और बाली अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचे। शायद किसी काम से कलकत्ते में रुक गए हूँ, मेजर ने कहा। पहले तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरे आदेश का हमेशा सख्ती से पालन किया गया है। खैर, शाम तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। संभव है पहली हवाई सर्विस में उन्हें सीटें न मिल पाई हो। कल सवेरे से ही हमें नए मैदान में नए सिरे से अपना काम तेजी से आरंभ कर देना है, मेजर ने कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। मेजर बलवंत अपने कमरे में पहुंचा तो सोनिया, मालती, डोरा और सुधीर मेज के आसपास कुर्सियां बिछाए रमी खेल रहे थे। उन्होंने मेजर को देखा तो पत्ते फेंक दिए। वे जानते थे कि मेजर ताश को बहुत बुरा समझता है, क्योंकि ताश इंसान को निकम्मा बना देते हैं और इस खेल में जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट होता है। मालती ने मेजर को प्रसन्न देखकर और ताश खेलते हुए पकड़े जाने की झेप मिटाने के लिए कहा, आप खुश दिखाई दे रहे हैं, इस खुशी में एक शेर हो जाए। शेर एक शर्त पर हो सकता है कि भविष्य में तुम लोग फिर कभी ताश नहीं खेलोगे। हम वादा करते हैं कि भविष्य में हम ताश कभी नहीं खेलेंगे, सुधीर ने ताश उठाकर फाड़ते हुए कहा। मेजर ने कहा, तो फिर सुनो, हुर्रे जन्नत की तरह पाक है पहली बीवी, हुर्रे जन्नत की तरह पाक है पहली बीवी, मेरी नजरों में मगर खाक है पहली बीवी। मालती तालियां बजाने लगी। वो मेजर को दाद देना चाहती थी कि तभी कमरे के बाहर कई आदमियों के कदमों की आहट सुनाई दी। सुधीर ने दरवाजे के पास जाकर देखा और फिर अंदर मुंह फेर कर बोला, विचित्र प्रकार के लोग होटल में आए हैं। कैसे विचित्र प्रकार के लोग? मेजर ने पूछा। 3 पुरुष है और 1 स्त्री है, डॉक्टर बनर्जी के कमरे की ओर जा रहे हैं। चारों ने निराले ढंग के लिबास वहाँ रखे। एक बंगाली मालूम होता है, टसर का कुर्ता और धोती। दूसरा पठान है, सिर पर लुंगी और घेरेदार सलवार। तीसरा जाट है, लंबा कुर्ता और दामन। चौथी जो स्त्री है, उसने ऐसा स्कर्ट पहन रखा है जो मिनी स्कर्ट को भी शर्माता है।
उसके स्कर्ट से उसका सफ़ेद अंडरवियर साफ दिखाई देता है। ये लोग कहीं की ईंट और कहीं का रोडा मालूम होते हैं या भानुमति का पिटारा। मेरा विचार है कि डॉक्टर बनर्जी के असिस्टेंट आ गए हैं, मेजर ने कहा। कुछ मिनट के बाद डॉक्टर बनर्जी मेजर को बुलाने के लिए उसके कमरे में आए। डॉक्टर बनर्जी प्रसन्न भी थे और कुछ घबराए हुए भी। डॉक्टर बनर्जी ने मेजर को अपने कमरे में ले जाकर उससे कहा, मेरे सहायकों से मिलिए, मैं आपका परिचय इनसे बहुत पहले करा चुका हूँ, ये सुग्रीव है। डॉक्टर बनर्जी ने बंगाली बाबू की ओर इशारा किया। ये जयनाथ है। डॉक्टर बनर्जी ने पठान की ओर संकेत किया। ये बाली है। डॉक्टर बनर्जी ने जाट की ओर उंगली उठाई। ये अलका है। डॉक्टर बनर्जी ने उस युवती की ओर इशारा किया जिसका स्कर्ट सचमुच मिनी स्कर्ट को भी शर्मा रहा था। क्या ये इसी तरह के फैशन में सफ़र किया करते हैं, मेजर ने हंसते हुए पूछा। हमारा मेकअप में आना आवश्यक था। हम किसी पर ये प्रकट नहीं होने देना चाहते थे कि हम इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं। हमने बड़ी सावधानी से काम लिया, यानी एक दूसरे से अलग रहे, फिर भी हमें मार डालने की कोशिश की गई। हम तो बच गए, लेकिन हमारी सरकार का 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इंडियन एयरलाइंस का विमान नष्ट कर दिया गया, सुग्रीव ने कहा। आप लोग कैसे बच गए, मेजर ने पूछा। भागे ने बचा लिया, अलका बोली। कलकत्ते से विमान रवाना हुआ तो 1-1.5 घंटे के बाद पायलट को इंजन में कुछ खराबी दिखाई दी। उसने लखनऊ के हवाई अड्डे पर अपना विमान उतार लिया। विमान के इंजन की खराबी दूर होने तक विमान के यात्री विमान से निकलकर बाहर आ गए। एक यात्री विमान के अंदर ही बैठा रहा। 2 मैकेनिक इंजन की जाँच करने विमान में पहुँचे तो जोरदार धमाका हुआ और विमान नष्ट हो गया। विमान के अंदर बैठा हुआ यात्री और 2 मैकेनिक मारे गए। मेरा विचार है कि जो आदमी विमान के अंदर बैठा रहा उसके पास बम था, जयरथ ने कहा। नहीं, उस यात्री के पास बम नहीं हो सकता था। अगर उसके पास बम होता तो उसने उड़ते हुए विमान में ही बम मार दिया होता। विमान टाइम बम से नष्ट हुआ, मेजर ने कहा। लेकिन ये बात निश्चित है कि विमान हमारे कारण नष्ट किया गया। दुश्मन को पता चल गया था कि हम उस विमान से सफ़र कर रहे हैं, बाली ने कहा। आपका ये विचार सही है, लेकिन दुश्मन को ये कैसे पता लगा कि आप लोग उस विमान से जा रहे हैं और फिर उसे टाइम बम रखने में सफलता कैसे मिली? क्या आप चारों की सीटें आप चारों में से किसी एक ने बुक कराई थी? जी नहीं, हम लोग अलग अलग सीट बुक कराने गए थे और हम अलग अलग स्थानों से टैक्सी में दमदम एयरपोर्ट पर पहुँचे थे। क्या विमान नष्ट होने पर आवश्यक तहकीकात नहीं की गई, मेजर ने पूछा। सबसे आवश्यक पूछताछ की गई। हमें डॉक्टर बनर्जी का आदमी होने के कारण छोड़ दिया गया, लेकिन शेष सभी यात्री निर्दोष सिद्ध हुए। दुर्घटना की जांच करने वाले विशेषज्ञ ये पता न लगा सके कि टाइम बम कहाँ रखा गया था। बस वे इतना ही बता सके कि टाइम बम विमान के पिछले भाग में था, लेकिन किस स्थान पर था ये उन्हें मालूम ना हो सका, सुग्रीव ने कहा। क्या बम के टुकड़े नहीं मिले, मेजर ने पूछा। बम के 2-3 टुकड़े मिले। उन टुकड़ों को देखकर जांच करने वाले विशेषज्ञ को हैरानी हुई। उन टुकड़ों पर चिकनाहट थी, अलका बोली। वो चिकनाहट कैसी थी, मेजर ने पूछा। उस चिकनाहट से कुछ चींटियाँ भी चिपकी हुई थी, जयरथ ने कहा। यह सुनकर मेजर के होंठ गोल हो गए और वो सीटी बजाने लगा। क्यों, क्या बात है, डॉक्टर बनर्जी ने पूछा। मैं जान गया हूँ कि उस विमान में बम कहाँ रखा गया था, मेजर ने कहा। मेजर की ये बात सुनकर वो सभी दंग रह गए। उस विमान में टाइम बम कहाँ रखा गया था, डॉक्टर बनर्जी ने पूछा। खाने की चीज़ों में, किसी केक के अंदर छिपाकर रखा गया होगा, मेजर ने कहा। यह आपने कैसे जाना, डॉक्टर बनर्जी ने पूछा। आप भूल रहे हैं, मेजर बोला। बम के टुकड़ों पर चिकनाहट के साथ मिठास भी थी, तभी उन टुकड़ों पर चींटियाँ छिपकी हुई थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बम किसी चिकनी और मीठी चीज़ के अंदर रखा गया था। आप सैकड़ों मील दूर बैठे सही अनुमान लगा सकते हैं कि घटना किस प्रकार घटी, डॉक्टर बनर्जी प्रशंसा भरे स्वर में बोले। विमान को नष्ट कराने वाला वास्तविक अपराधी तो कोई और ही होगा, लेकिन 2 अपराधियों को पकड़ा जा सकता है। क्या आपको अपराधियों का भी पता चला, सुग्रीव ने हैरान होकर पूछा। हाँ, मेजर ने उत्तर दिया। सबसे पहले ये मालूम करना आवश्यक है कि एयरलाइंस के विमान को केक पेस्ट्री कौन सा होटल सप्लाई करता है। उस होटल के बावर्चियों से पूछताछ की जा सकती है कि किसने स्पेशल केक बनवाया और हिदायत दी कि उस केक को सुबह जाने वाले विमान को सप्लाई किया जाए। ओह, और दूसरा अपराधी कौन हो सकता है, अलका ने पूछा। अगर किसी होटल ने इस प्रकार का कोई स्पेशल केक सप्लाई नहीं किया तो उस होटल का कोई कर्मचारी मुलजिम नहीं है,
ऐसी दशा में विमान के अंदर खाने पीने की चीज़ों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों में से ही कोई कर्मचारी अपराधी हो सकता है। ये मामला बहुत ही गंभीर है। दुश्मन किसी भी घटना में अपना निशान पीछे छोड़कर नहीं जाता। दुश्मन के किसी न किसी आदमी को पकड़ना आवश्यक हो गया है, वरना देश की राजधानी दिल्ली में सर्वनाश नहीं प्रलय मच जाएगी, मेजर ने कुछ रुक कर कहा। हाँ डॉक्टर, बनर्जी बोले, पर ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, मैं और आप अभी लखनऊ चलते हैं जहाँ विमान नष्ट हुआ है और जहाँ विमान के कर्मचारी रुके हुए हैं। वे किसी होटल में ठहरे होंगे। हवाई अड्डे से उस होटल का पता लग जाएगा। लखनऊ से कल सवेरे ही हम कलकत्ता चल पड़ेंगे। मैं तैयार हूँ, डॉक्टर बनर्जी बोले। इतने में मेघदूत होटल का एक कर्मचारी डॉक्टर बनर्जी के नाम एक टेलीग्राम लेकर आ गया। डॉक्टर बनर्जी ने कांपते हाथों से टेलीग्राम खोला। टेलीग्राम पढ़ते ही डॉक्टर बनर्जी का रंग उठ गया। क्या बात है? मेजर ने पूछा। मेरे क्लिनिक की नर्स कुंदमुनी ने सूचना दी है कि कलकत्ता के धर्मतला इलाके में जहाँ मेरा क्लिनिक है, भयंकर बीमारी फूट पड़ी है। मच्छरों के काटे जाने की बीमारी, 800 आदमी बीमार हुई, उनके हलक सूज गए, आवाज़ बंद हो गई। 100 आदमी तो बीमार पड़ने के 1.5 घंटे बाद ही मर गए। उस इलाके के अस्पताल मरीजों से भर गए हैं और सभी मरीज मच्छर के काटने से हुई गंभीर बीमारी की है। हमें तत्काल लखनऊ और कलकत्ता चल देना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, समूचे देश का प्रश्न है, मेजर बोला। कोई बहुत ही घिनौनी हरकत कर रहा है, मेजर ने कहा और दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी सोनिया दौड़ती हुई आई और मेजर से बोली, आपको इंस्पेक्टर सचदेव खून पर बुला रहे हैं। मेजर तेजी से अपने कमरे में पहुंचा। डॉक्टर बनर्जी भी उसके पीछे थे। मेजर ने क्रेडिल पर से रिसीवर उठाकर कहा, हेलो इंस्पेक्टर साहब, क्या आ गया है? मैंने कपूर और उसकी पत्नी कैथलीन की लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवा ली है। उनके शरीर में किसी प्रकार के जहर का अंश नहीं पाया गया। डॉक्टर की रिपोर्ट है कि उनकी मृत्यु दम घुट जाने से हुई है। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, मेजर ने कहा और रिसीवर रखते हुए डॉक्टर बनर्जी से बोला, इंस्पेक्टर सचदेव ने सूचना दी है कि कपूर और कैथलीन के शरीर में किसी प्रकार का जहर नहीं मिला। आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? वर्तमान स्थिति बहुत ही भयानक और संकटपूर्ण है, मैं जानता हूँ, डॉक्टर बनर्जी ने कांपते हुए कहा। मैं तो ये सोचकर कांप रहा हूँ कि हमारे सामने बहुत बड़ा सर्वनाश आने वाला है। मेजर साहब, जल्दी कीजिए, हमें तत्काल अपने काम में जुट जाना चाहिए। देर हो गई तो सारे देश में प्रलय मच जाएगी, मेजर ने कहा और यात्रा की तैयारियों में व्यस्त हो गया। सुधीर ने मेघदूत होटल के मैनेजर के सहयोग से अगली फ्लाइट ही में मेजर बलवंत और डॉक्टर बनर्जी के लिए सीटें बुक करा दी। डॉक्टर बनर्जी ने अपनी असिस्टेंटों को भी मेजर के नियंत्रण में दे दिया था, इसलिए मेजर ने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हम लोग कल शाम तक लौट आएंगे, इस बीच तुम लोगों को दो बहुत ही आवश्यक काम करने हैं। वे क्या क्या काम है? तुम्हें से दो आदमियों को ये पता लगाना है कि मिसेज कैथलीन ने किन शर्तों पर नवजीवन स्कूल के लिए उस बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर किराए पर लिया था, वो कहाँ से आई थी और उसने अपना पिछला पता क्या दिया था। मिसेज कैथलीन के पिछले पते पर उसकी सारी कहानी मालूम करनी होगी। और दूसरा काम क्या करना होगा? डोरा ने पूछा। बाकी लोगों को शहर के उन स्थानों का निरीक्षण करना होगा जहाँ मच्छर पलते हैं, जैसे जोहड, तालाब, नाले, खंदके, पुलों के नीचे रुका हुआ पानी। इस स्थानों पर साधारण मच्छर मिले तो उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसे मच्छरों के स्थान खोजे जाए जो उड़ते समय अपने पीछे धुआं सा छोड़ते हो। किस प्रकार का धुआं? सुग्रीव ने पूछा। भूरे रंग का धुआं। उन मच्छरों से तुम्हें अपना बचाव करना होगा। अधिक अच्छा रहेगा कि तुम लोग अपने शरीर को अधिक से अधिक ढाके रहो। तुम्हें अपने साथ पॉलीथीन यानी महीन प्लास्टिक के थैले ले जाने होंगे। क्यों? सुधीर ने पूछा। अगर भूरे रंग का धुआं छोड़ने वाले मच्छर कहीं मिल जाए तो उन्हें पॉलीथीन के थैलों में इकट्ठा करने की कोशिश की जाए। कितने मच्छर? वाली ने पूछा। जितने भी इकट्ठे किए जा सके, मेजर ने कहा। अच्छा, अब कल शाम को मुलाकात होगी। अगर हम अपने इरादे में सफल हो गए तो एक दिन की हमें देर भी हो सकती है। मेजर और डॉक्टर बनर्जी का हवाई जहाज़ रात के 8 बजे रवाना होगा और 9 बजे लखनऊ के हवाई अड्डे पर जा उतरा। मेजर बलवंत तेजी से अपने काम में जुट गया। एयरपोर्ट के अधिकारियों से उससे पता चला कि जो विमान नष्ट हुआ था उसके कर्मचारी रात भर के लिए गुलव कावली होटल में ठहरे हुए हैं।
विमान के किचन के तीनों इंचार्ज भी उसी होटल में हैं। मेजर बलवंत उसी समय गुल बकावली होटल पहुंच जाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर बनर्जी ने एयरपोर्ट की कैंटीन में कॉफ़ी पीने की इच्छा प्रकट की। वो दोनों रात के 9:45 बजे गुल बकावली होटल की ओर रवाना हुए। अभी उनकी टैक्सी गुल बकावली होटल से 100 गज दूर ही थी कि उन्होंने जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ गुल बकावली होटल की ओर से ही आई थी। जब उनकी टैक्सी होटल के कंपाउंड में पहुंची तो होटल में भारी शोरगुला सुनाई दिया। उस शोरगुला में स्त्रियों और बच्चों की चीखें भी शामिल थी। होटल में ठहरे हुए यात्री अपने कमरों को छोड़कर भाग रहे थे। होटल के अधिकारियों और कर्मचारियों के होश उड़ हुए थे, वो लोगों को तसल्ली दे रहे थे। मेजर ने टैक्सी होटल के रिसेप्शन रूम के आगे रुकवाई। टैक्सी रुकवा कर टैक्सी ड्राइवर को 15 रुपये दिए और तेजी से रिसेप्शन रूम में चला गया। डॉक्टर बनर्जी उसके पीछे फुदकते हुए चल रहे थे। रिसेप्शन रूम में रिसेप्शनिस्ट लड़की मोम की मूर्ति की तरह बैठी हुई थी, जैसे उसके सारे बदन का लहू सूख गया हो। मेजर ने उसके पास जाकर पूछा, यहाँ क्या हुआ है? दूसरी मंजिल पर 41 नंबर कमरे में हाथ गोला फटा है, 4 आदमी मारे गए हैं और एक बुरी तरह घायल हुआ है, लड़की ने उत्तर दिया। कमरा नंबर 41 में कौन लोग थे? मेजर ने दूसरा प्रश्न किया। एयरलाइंस के कर्मचारी थे। मेजर पल भर चुप रहा, फिर बोला, उस कमरे में एयरलाइंस के कौन कौन कर्मचारी थे? स्टूवर्ड था, असिस्टेंट स्टूवर्ड थी, बावर्ची था, बावर्ची का असिस्टेंट था और एक रेडियो मैकेनिक था। केवल रेडियो मैकेनिक बचा है, बाकी 4 मारे गए। रेडियो मैकेनिक भी बुरी तरह घायल हुआ है, लड़की ने कहा। होटल का मैनेजर कहाँ है? मेजर ने पूछा। ऊपर ही है। मेजर तेजी से दूसरी मंजिल के 41 नंबर कमरे में पहुंचा। उस कमरे में बहुत से लोग जमा थे, सब लाशों को देख रहे थे। मेजर बलवंत जैसे ही दूसरी मंजिल के 41 नंबर कमरे में पहुंचा, उस कमरे में उन्होंने बहुत से लोगों को जमा हुए देखे। सब लाशों को देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। घायल रेडियो मैकेनिक को अस्पताल भेज दिया गया था और पुलिस को दुर्घटना की सूचना दे दी गई थी। होटल का मैनेजर बैरो से पूछ रहा था कि उन्होंने किसी को उस कमरे में हथगोला फेंकते हुए तो नहीं देखा। दो बैरे बोले, हुजूर, हम इसी मंजिल में थे जब हमने धमाका सुना, हमने किसी को बम फेंकते हुए नहीं देखा। जिस समय धमाका हुआ 41 नंबर कमरे के बाहर गैलरी में कोई भी नहीं था। मेजर बलवंत और डॉक्टर बनर्जी भी उस भीड़ में शामिल हो गए। मेजर ने होटल के मैनेजर के पास जाकर कहा, क्या आप लोगों को इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे? आप कौन हैं? मैनेजर ने जरा रूखे स्वर में पूछा। ये मेजर बलवंत है, हमारे देश के विख्यात जासूस, डॉक्टर बनर्जी ने गर्व से कहा। ओह, आप तो लखनऊ एक बार पहले भी आ चुके हैं। मैनेजर का स्वर तुरंत परिवर्तित हो गया और उसने कमरे में खड़े लोगों से कहा कि वे बाहर चले जाएं। जब थोड़े से लोग उस कमरे में रह गए तो मैनेजर ने मेजर बलवंत से कहा, लाशें छलनी हो चुकी है, इनको पहचानना भी कठिन है। मेजर ने देखा कि कमरे में दूर दूर तक खून के छींटे बिखरे हुए थे। चारों लाशें सचमुच छलनी हो चुकी थी। मेजर उन लाशों को ध्यान से देखने लगा। अचानक एक लाश देखकर ठिठक गया। वो लाश औंधी पड़ी हुई थी, गर्दन से लेकर पीछे के निचले हिस्सों तक उस लाश की कमीज फटी हुई थी। गर्दन के नीचे जहाँ से कंधे शुरू होते हैं वहाँ एक विचित्र सा निशान था। मेजर फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। क्या ये मच्छर के काटने से पैदा होने वाले छाले का निशान है? डॉक्टर बनर्जी ने पूछा। मेजर ने उस निशान को ध्यान से देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, ये एक बहुत अर्थपूर्ण निशान है। ऐसे घाव का निशान है जिसे अच्छा हुए अधिक दिन नहीं बीते और ना जाने किस प्रकार का घाव था जो एक विशेष घाव बन गया था। मेजर उस लाश के पास से उठकर खड़ा हो गया और होटल के मैनेजर से बोला, बाहर एयरलाइंस के अन्य कर्मचारी होंगे, उनमें से किसी को बुला लीजिए। होटल का मैनेजर खुद बाहर गया और नष्ट हुए विमान के पायलट को ले आया। उसने मेजर से पायलट का परिचय कराया। मेजर ने निशान वाली लाश के पास जाकर पायलट से पूछा, क्या आप इसे पहचानते हैं? जी हाँ, यह हमारा असिस्टेंट कुक गोपीनाथ है। गोपीनाथ आपके विमान में कब से नौकर था? मेजर ने पूछा। बहुत पुराना नौकर था, लगभग 8 साल पुराना, पायलट ने उत्तर दिया। क्या इसकी ड्यूटी हमेशा आपके विमान में रहती थी? जी हाँ। क्या आपने इसकी गर्दन के पीछे कोई घाव देखा था? 1.5 महीना होगा गोपीनाथ गर्दन पर पट्टी बांध कर आया था,
मेरे पूछने पर उसने बताया था कि उसकी गर्दन के पीछे एक रसौली थी, उसका ऑपरेशन कराया है। क्या आपने उसकी गर्दन के पीछे रसौली देखी थी? नहीं। मेजर मुस्कुरा उठा, उसके होठ गोल हो गए, लेकिन उसने सीटी नहीं बजाई। उसने पायलट को धन्यवाद दिया और पायलट कमरे से बाहर चला गया। मेजर बलवंत कमरे के फर्श का निरीक्षण करने लगा। उसे फर्श पर दो जगह जहाँ थोड़ी सी मिट्टी पड़ी थी दो विचित्र निशान से दिखाई दिए। वो फिर घुटनों के बल बैठ गया और फर्श को ध्यान से देखने लगा। वो निशानों को देखकर मुस्कुराने लगा। डॉक्टर बनर्जी अब मेजर की मुस्कुराहट को अच्छी तरह पहचानने लगे थे। वो जान गए थे कि मेजर को जब कभी कोई भेद की बात मालूम हो जाती है तो मुस्कुराने लगता है। होटल का मैनेजर भी मेजर की इस हरकत पर हैरान हो रहा था। कमरे में खड़े अन्य लोग और बैरे भी हैरान थे। मेजर एक धागे पर उंगलियां चलाता हुआ उस कमरे से बाहर निकला और गैलरी से होता हुआ सीढ़ियों पर से नीचे उतर गया और निचली सीढ़ी पर पहुंचकर रुक गया। वहां पहुंचकर उसने धागे को अपनी दो उंगलियों में ले लिया और उसे बल देने के बाद उसके सिरे को देखने लगा। होटल का मैनेजर और डॉक्टर बनर्जी भी उसके पास पहुंच गए। डॉक्टर बनर्जी ने पूछा, आप क्या देख रहे हैं? मैं एक बहुत ही रहस्यपूर्ण चीज़ देख रहा हूँ, मेजर ने कहा और धागे को उंगलियों पर लपेटता हुआ फिर उसी कमरे में पहुँच गया। उसने धागे को जेब में रख लिया और कमरे में टहलने लगा जैसे कोई महत्वपूर्ण वस्तु खोज रहा हो। अचानक मेजर की निगाह कमरे की आमने सामने की दीवार पर पड़ी, उन दीवारों पर जहाँ खून के 6 धब्बे थे और खून के धब्बों में लालिमा युक्त कोई भूरी चीज़ चमक रही थी। एक दीवार के पास पहुँचा, उसने लालिमा युक्त उस चीज़ को दीवार से छुटा कर देखा और घृणा के साथ उसे दीवार के पास फेंक दिया। वो फिर लाशों के पास आ गया, वहाँ उसे छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़े दिखाई दिए। वो फिर कमरे का चक्कर काटने लगा, ऐसा लग रहा था जिस चीज़ की उसे तलाश है वो चीज़ उसे मिल नहीं रही। अचानक वो एडियो के बल घूमा और छत की ओर देखने लगा। वो 2 मिनट तक छत को देखता रहा। छत पर बिजली के 4 बल्ब इकट्ठे जुड़े जल रहे थे, उनके ऊपर कोई चीज अटकी हुई थी। मेजर ने होटल के मैनेजर से कहा, छत साफ करने का लंबा झाड़ू या कोई बांस मंगवाइए। सब हैरान थे कि मेजर इस प्रकार की विचित्र चीजें क्यों मंगवा रहा है। मैनेजर ने छत साफ करने वाला झाड़ू मंगवा दिया। मेजर ने उस झाड़ू की सहायता से उन 4 बल्बों में अटकी चीज नीचे गिरा दी। उसने झाड़ू एक और फेंक दी और उस चीज़ पर झुक गया। उसने हाथ में लेकर वो चीज़ बड़े ध्यान से देखी और फिर फर्श पर रख दी और फिर सीधा खड़ा होकर मैनेजर से बोला, क्या इस कमरे में ठहरे हुए एयरलाइंस के किसी कर्मचारी के पास कोई कुत्ता भी था, कुत्ता या पिल्ला? मेजर की इस विचित्र प्रश्न पर सभी अवाक रह गए। जी नहीं, किसी के पास न कोई कुत्ता था न पिल्ला। हम किसी को होटल के कमरे में कुत्ता रखने नहीं देते। कुत्तों के दरबे नीचे हैं, जिन यात्रियों के पास कुत्ते होते हैं वहीं पे रखे जाते हैं। मैं एक पिल्ले की बात कर रहा हूँ, इंडियन एयरलाइंस का कोई कर्मचारी शायद छिपा कर यहां ले आया हो, मैनेजर ने कहा। अगर ऐसा होता तो बैरों को फौरन पता चल जाता। आप इस मंजिल में काम करने वाले सभी बैरों को यहां बुलवाइए, मेजर ने कहा। आप पिल्ले के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, डॉक्टर बनर्जी ने पूछा। मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ कि इस कमरे में ठहरे हुए 4 व्यक्तियों की हत्या एक पिल्ले ने की है। इन 4 आदमियों की हत्या एक पिल्ले ने की है, सब आश्चर्य से कह उठे। इन 4 आदमियों का हत्यारा एक पिल्ला है जिसके बदन के टुकड़े इन दीवारों पर चिपटे हुए हैं, जिसकी हड्डियाँ इस कमरे में बिखरी हुई है और जिसका सिर मैं अभी अभी बिजली के बल्बों पर से उतारा है। सब लोग मेजर को इस तरह देखने लगे जैसे कोई जादूगर हो। उस मंजिल में काम करने वाले सारे बैरे कमरे में आ गए और कतार बांध कर खड़े हो गए। मेजर ने उनसे पूछा, क्या तुम में से किसी ने इस कमरे में कोई पिल्ला आते हुए देखा था? जी नहीं, सब बैरों ने एक साथ कहा। अच्छी बात है, क्या तुम में से किसी ने सीढ़ी के नीचे सीढ़ी से टेक लगाकर खड़े किसी आदमी को देखा था? जी हाँ, मैंने देखा था, वो धमाका होने से पहले वहाँ आकर खड़ा हुआ था। जी हाँ, वो वहाँ कितनी देर तक खड़ा रहा था? धमाका होने तक। धमाका होते ही वो चीखा और बाहर भाग गया। क्या इस होटल में ठहरा हुआ था? जी नहीं। तो फिर वो कौन था? कोई फोटोग्राफर लगता था, उसके दाएं कंधे पर उसका कैमरा लटका हुआ था और बाएं कंधे पर फ्लैश लाइट का डिब्बा लटका हुआ था। फ्लैश लाइट का डिब्बा काफ़ी बड़ा था ना, मेजर ने पूछा। जी हाँ। उस आदमी का हुलिया कैसा था? उसकी कनपट्टी से उसके बालों की कल में उसके होठों तक पहुंची हुई थी,
और होठों के किनारों पर पहुंचकर बहुत चौंडी हो गई थी। उसका कद अधिक लंबा नहीं था, लेकिन कंधे बहुत चौंडे थे। उसकी नाक आगे से टमाटर जैसी थी। वो सर्कस का जोकर मालूम होता था, एक बैरी ने बताया। वो जोकर नहीं था, उसने रूप भर रखा था, मेजर ने कहा। और फिर उसने बैरे को आदेश दिया, तुम लोग जा सकते हो। कमरे में खड़ा प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित था कि मेजर बलवंत को ये कैसे मालूम हो गया कि कोई आदमी सीढ़ी के नीचे खड़ा था। डॉक्टर बनर्जी से रहा ना गया, उन्होंने पूछा, आपको उस व्यक्ति की उपस्थिति का पता कैसे चला? पिल्ले के चिथड़े बदन से और इस तार से। मेजर ने जेब से धागे का गुच्छा निकाल कर दिखाया। क्या ये धागा नहीं है? डॉक्टर बनर्जी ने पूछा। नहीं, ये बहुत ही महीन तार है, मेजर ने कहा। सीढ़ी के नीचे जो आदमी खड़ा था वो फोटोग्राफर नहीं था, वो इन चार आदमियों का वास्तविक हत्यारा था, जिसने पिल्ले की सहायता से इन चारों की हत्या की। उसने ऊपर की मंजिल में आए बिना अपने हाथों से इस कमरे में बम फेंके बिना ही इन चारों आदमियों को मार डाला। आपकी पहली समझ में नहीं आ रही, डॉक्टर बनर्जी ने कहा। मैं समझाता हूँ, मेजर ने कहा। वो फोटोग्राफर जो वास्तव में फोटोग्राफर नहीं था, एक विशेष व्यक्ति की हत्या करने आया था। उसे जल्द से जल्द उस आदमी को ठिकाने लगा देना था। वो विशेष व्यक्ति कौन था? डॉक्टर बनर्जी ने पूछा। वो असिस्टेंट कुक गोपीनाथ था, मेजर ने कहा। वो उसे ठिकाने क्यों लगा देना चाहता था? दुश्मन को पता चल गया था कि हम दोनों खोजबीन के लिए लखनऊ जा रहे हैं। गोपीनाथ का जीवित रहना दुश्मन के लिए खतरनाक था। गोपीनाथ दुश्मन का ही आदमी था। गोपीनाथ दुश्मन का आदमी था, डॉक्टर बनर्जी ने चौंक कर कहा। जी हाँ, दुश्मन ने उसी के द्वारा केक में बम रखवाया था। उसे ये धोखा देकर कि लड़की के जिस छोटे से लकड़ी के जिस छोटे से बक्स को केक के अंदर रखना है, उसमें सोना है जिसे दिल्ली पहुंचाना है। गोपीनाथ ने लकड़ी का वो बक्स केक के अंदर रख दिया, लेकिन उस बक्स में सोना नहीं था, टाइम बम था। ओह, अब सचमुच त्रिका लग गया है, होटल का मैनेजर बोला। गोपीनाथ की हत्या करने के लिए दुश्मन को तीन आदमियों के खून से और हाथ धोने पड़े। हमारा सामना जिस दुश्मन से है, उसके निकट मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है। एक ही समय में 4-6 आदमियों को मौत के घाट उतार देना उसके लिए साधारण बात है, क्योंकि वो तो समूची मानव जाति की हत्या करने का निश्चय किए हुए है। क्या हमारा पाला ऐसे दुश्मन से पड़ा है? डॉक्टर बनर्जी बोली। मेजर साहब, आप इस पहले को सुलझाइए कि इन चार आदमियों की हत्या कैसे की गई। वो फोटोग्राफर सीढ़ी के नीचे खड़ा रहा। उसके फ्लैश लाइट के डिब्बे में एक पिल्ला था। वो एक साधारण बक्स था जिसे फ्लैश लाइट के बक्स जैसा बनाया गया था। उसका जो कैमरा था वो भी वास्तव में कैमरा नहीं था, एक चरखी थी जिस पर एक बारीक तार लिपटा हुआ था और उस तार को आसानी से ढील दी जा सकती थी। सब लोग मेजर की बात इस तरह सुन रहे थे जैसे मेजर कोई परियों की कहानी सुना रहा हो। मेजर ने कहा, कुत्ते के पिल्ले के पेट पर बारीक तार से एक हथगोला बांध दिया गया था। तार का एक सिरा हथगोले की पिन से बांधा हुआ था। उसने इतनी तैयारियों के बाद पिल्ला बॉक्स से निकाल कर छोड़ दिया, लेकिन पिल्ले को ये क्या पता था कि उसे 41 नंबर कमरे में ही जाना है? डॉक्टर बनर्जी ने पूछा। फोटोग्राफर के मेकअप में जो आदमी था वो तार से पिल्ले को कंट्रोल कर सकता था। उसी के इशारे पर पिल्ला 41 नंबर कमरे में पहुंच गया। जब पिल्ला इस कमरे में आ गया तो उस आदमी ने तार खींचकर हथगोले का पिन निकाल दिया। तार का सिरा पिल्ले को चुभा तो उछला और उसके उछलते ही हथगोला फट गया। उस हथगोले ने चार जाने ले ली, जिनमें गोपीनाथ भी था, जिसे मार डालना ही दुश्मन का मुख्य उद्देश्य था। हत्यारे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कैसे कैसे ढंग अपनाया करते हैं, होटल के मैनेजर ने कहा। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। होटल के मैनेजर ने पुलिस इंस्पेक्टर और उसकी टीम का मेजर से परिचय कराया। मेजर ने पुलिस इंस्पेक्टर से हाथ मिलाने के बाद इस घटना की पूरी कहानी सुनाई और फिर उसे सलाह दी, आप उस फोटोग्राफर का पता लगाइए, डॉक्टर बनर्जी ने मेजर से पूछा। अब हमारा कार्यक्रम क्या है? क्या हमें सुबह कलकत्ता चलना चाहिए? नहीं, अब कलकत्ता जाना बेकार है, मेजर ने कहा। क्यों? हमें मालूम हो चुका है कि गोपीनाथ दुश्मन का आदमी था, उसी ने केक के अंदर टाइम बम छिपाया था। कलकत्ते के जिस होटल ने विमान को खाने की चीज़ें सप्लाई की, उस होटल के कर्मचारी निर्दोष है। हम कल सवेरे 9 बजे वापस दिल्ली चलेंगे। आज की रात इसी होटल में बिताएंगे। होटल के मैनेजर ने उनको एक कमरा दे दिया।
मेजर बलवंत और डॉक्टर बनर्जी सुबह के 10:30 बजे वापस दिल्ली पहुंच गए। डॉक्टर बनर्जी और मेजर के असिस्टेंट मेजर के आदेश के अनुसार अपने काम पर जा चुके थे। डॉक्टर बनर्जी अपने कमरे की ओर बढ़े तो मेजर ने कहा, 10 मिनट के लिए आप मेरे कमरे में ही चलिए। डॉक्टर बनर्जी मेजर के कमरे में आ गए। मेजर ने बड़ी गंभीरता से डॉक्टर बनर्जी से पूछा, डॉक्टर साहब क्या आपके सभी असिस्टेंट अत्यधिक वफादार हैं? आप मुझसे ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर बनर्जी ने मेजर की ओर तीखी नज़रों से देखते हुए पूछा, मुझे संदेह है कि आपके असिस्टेंटों में कोई गद्दार है जो दुश्मन से मिला हुआ है। आपको ये संदेह कैसे हो रहा है? आपके किसी आदमी ने ये जाने बिना कि दुश्मन क्या कार्रवाई करेगा उसे सूचना दी कि वे दिल्ली जा रहे हैं और अमुक विमान से जा रहे हैं। उसने दुश्मन को ये खबर दी कि हम लोग विमान दुर्घटना के कारणों की खोज के लिए लखनऊ जा रहे हैं। लेकिन मेरे सभी असिस्टेंट बहुत ही वफादार हैं। मैं इनकी कई बार परीक्षा ले चुका हूँ, लेकिन किसी का ईमान डोलते देर तो नहीं लगती। कितनी देर लगती है भला? मेजर ने कहा, फिर भी आपको ये तो मालूम होगा कि आपके सहायकों में से कमजोर कौन है? जयरथ जरा कमजोर है, डॉक्टर बनर्जी ने कहा। हमें जयरथ पर कड़ी निगाह रखनी होगी, मेजर ने कहा। अब हम जरा सुस्ता लें। इस घटना से हमें ये मालूम हो गया है कि दुश्मन ने अपना जाल दूर दूर तक फैला रखा है। साथियों की वापसी का इंतजार तो हमें करना ही होगा, डॉक्टर बनर्जी ने उठते हुए कहा और फिर अपने कमरे की ओर चल दिए। मेजर पलंग पर लेटकर वर्तमान केस के विषय में सोचने लगा। अचानक किसी विचार से उसके बदन में झुरझुरी दौड़ गई। डॉक्टर बनर्जी अपने कमरे में पहुंचकर अपने पलंग पर नहीं लेटे। उन्होंने अपने कमरे में पहुंचकर बड़ी सावधानी से सामने का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर कमरे की सारी खिड़कियां भी बंद कर दी। फिर उस मेज के पास आ बैठे जिस पर टेलीफोन रखा हुआ था। उन्होंने अपनी नोटबुक निकालकर उसी का एक पन्ना पलटा और फिर टेलीफोन पर नंबर डायल करने लगे। कुछ सेकंड बाद दूसरी ओर से किसी ने हेलो कहा तो डॉक्टर बनर्जी ने बड़ी बेचैनी से पूछा, जितेंद्र चट्टोपाध्याय? जी हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, दूसरी ओर से जितेंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा। क्या रिपोर्ट है? मेरा प्रयोग सफल रहा, मैंने वो चीज़ खोज ली है जिसकी हमें आवश्यकता थी। मैंने उसकी इंजेक्शन भी तैयार कर लिए हैं। कितने? अभी तक तो केवल 6 दर्जन इंजेक्शन ही तैयार कर पाया हूँ, जितेंद्र चट्टोपाध्याय ने उत्तर दिया। क्या तुम 4 दर्जन इंजेक्शन मुझे आज शाम तक यहाँ भेज सकती हो? डॉक्टर बनर्जी ने कहा। तुम्हें कोई कठिनाई ना होगी, इंजेक्शन सनील चौधरी को दे दो, वो फ्लैट में सीट बुक करा कर शाम तक मेरे पास पहुँच जाएगा। अच्छी बात है, दूसरी ओर से जितेंद्र ने कहा। डॉक्टर बनर्जी ने रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया और उठकर पलंग के पास चले गए। उन्होंने पलंग के नीचे से चमड़े का एक बैग घसीट कर बाहर निकाला। उस बैग को खोलकर प्लास्टिक का एक थैला निकाला। उस थैले में 6-7 मच्छर भिनभिना रहे थे। प्लास्टिक का सफ़ेद थैला उनके हाथों में बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा था। उन्होंने थैला उठाया और खिड़की के पास दीवार की पट्टी पर रख दिया। वो फिर चमड़े के बैग के पास आ गए। बैग में से उन्होंने एक लैंप निकाला, पंप में कोई दवा भरी और पंप लेकर खिड़की के पास आ गए। उन्होंने प्लास्टिक के थैले को ऊपर से थोड़ा सा फाड़ दिया। थैले से एक एक करके मच्छर निकलने लगे। डॉक्टर बनर्जी ने पंप उठाया और मच्छरों पर दवा छिड़कने लगे। पल भर के लिए डॉक्टर बनर्जी कांप उठे। उन मच्छरों पर दवा का कोई भी प्रभाव न हो रहा था। वो अपने बदन को ढकने के लिए पलंग की ओर दौड़े। उन्होंने चादर उठाकर अपने शरीर के चारों ओर लपेट ली, लेकिन वो अभी तक कांप रहे थे और भयभीत निगाहों से खिड़की की ओर देख रहे थे। अचानक उन्होंने एक मच्छर को खिड़की के नीचे गिरते हुए देखा और उसके बाद एक एक कर सभी मच्छर खिड़की के नीचे गिर पड़े। डॉक्टर बनर्जी के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्होंने अपने बदन पर लिपटी चादर उतारकर पलंग पर फेंक दी। अब वो रत्ती भर भयभीत नहीं थे। उन्होंने संतोष की सांस ली और अखबार उठा लिया। उन्होंने अखबार में धर्मतल्ला में अचानक फूट पड़ी बीमारी द्वारा विनाश का समाचार पढ़ा और गहरे सोच में डूब गए। और उधर मेजर की कलकत्ते में फैली बीमारी से होने वाले विनाश के समाचार पढ़कर गहरे सोच में डूब गया। वो सोचने लगा कि आज की कार्यवाही की मालती ने न जाने क्या व्यवस्था की होगी। मालती ने मेजर की हिदायत के अनुसार आज अपनी टीम की बड़ी सुंदर व्यवस्था की थी, क्योंकि वो स्वयं बहुत ही योग्य, कुशल और बुद्धिमान जासूस थी। इसलिए उसने डोरा, सुधीर, सोनिया, अलका, सुग्रीव, वाली और जयरथ को अपने से 3 टुकड़ियों में बांट लिया था।
पहली टुकड़ी में डोरा, अलका और जायरा थे। दूसरी टुकड़ी में सोनिया, सुधीर और सुग्रीव थे। तीसरी टुकड़ी में ओ और बाली थे। उन्होंने स्कूटरों पर अपनी यात्रा आरंभ की। जब स्कूटर ड्राइवरों से कहा गया कि उन्हें दिन भर वीरान स्थानों में घूमना है तो वे तैयार नहीं हुए, रुपए के लालच में भी नहीं आए। लेकिन जब मालती ने उन्हें बताया कि लोग जिस काम के लिए इन वीरान जगहों पर जा रहे हैं वो काम देश के हित में है, तो कुछ स्कूटर ड्राइवर उचित किराए पर ही चलने के लिए तैयार हो गए। शाम के 4 बजे तक तीनों टुकड़ियों ने बड़ी तेजी से बहुत से जोहड़ों, नालों, तालाबों और वीरान जगहों का चक्कर काटा, लेकिन उन्हें वे मच्छर नहीं मिले जिनकी उन्हें तलाश थी, जो उड़ते समय अपने पीछे भूरा धुआं छोड़ते थे। सुधीर, सोनिया और सुग्रीव की टुकड़ी पश्चिमी दिल्ली में, मालती और बाली की टुकड़ी पूर्वी दिल्ली में और डोरा, जयरथ और अलका की टुकड़ी दक्षिणी दिल्ली में व्यस्त रही। शाम को डोरा, जयरथ और अलका की टुकड़ी के साथ एक विचित्र घटना हुई। वो दो स्कूटरों में कालकाजी कॉलोनी और मोहम्मद तुगलक के टूटे फूटे किले के बीच के इलाके में छानबीन कर रहे थे कि उन्होंने एक छोटी सी पहाड़ी पर एक लड़की को दोनों हाथ हिलाती और जोर जोर से चिल्लाकर दौड़ती अपनी ओर आती देखा। डोरा ने स्कूटर रुकवा दिया। सब हैरान थे कि उस वीरान इलाके में वो लड़की कहाँ से आ गई। डोरा की टुकड़ी इस स्कूटर से उतरकर उस पहाड़ी की ओर बढ़ी। वो लड़की अभी तक हाथ हिला हिलाकर चीखती हुई दौड़ रही थी। उसके ऊपर उसके साथ साथ भूरे रंग का बादल भी दौड़ रहा था। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। उसने सफ़ेद ब्लाउज और नए फैशन की काली पतलून पहन रखी थी। उसके पैरों में सफ़ेद जूती थी। दौड़ते हुए उसका जूड़ा खुल गया था और उसके लंबे बाल उसके कुल्हों से नीचे झूल रहे थे। दौड़ते हुए उसके ब्लाउज में दो आकर्षक और मनमोहक सलवटें पड़ रही थी। उसकी छातियां उछल रही थी जैसे दो गेंदे आपस में भिड़ रही हो। बहुत ही मोहक दृश्य था। उसकी पीठ के नीचे भी दो गोलाइयां गोल गोल हरकतें पैदा कर रही थी। उन दो गोलाइयों की थिरकन भी एक विचित्र दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। उस लड़की को देखते ही जयरथ अचानक बड़ी तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़ा। जयरथ, पागल न बनो, देखते नहीं उस लड़की के सिर पर भूरे रंग का धुआं मंडरा रहा है। डोरा ने उसे रोकने की कोशिश की। जयरथ, लौट आओ, तुम्हारा बदन पूरी तरह ढका हुआ नहीं है, अलका ने उसे पुकारा। लेकिन जयरथ डोरा और अलका की आवाज़ों की परवाह किए बिना उस ओर दौड़ता चला गया जिस ओर लड़की जा रही थी। कुछ मिनट में ही डोरा और अलका ने देखा जयरथ उस लड़की के बहुत निकट पहुंच गया। लड़की दौड़ते दौड़ते अचानक पहाड़ी पर गिर पड़ी थी और भूरे रंग का धुआं मंडराता हुआ दूर निकल गया था। लेकिन अब ठीक वैसा ही धुआं जयरथ के ऊपर उड़ने लगा था। जयरथ जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। उसके ऊपर मंडराता हुआ भूरा धुआं भी एक ओर निकल गया। जयरथ ने उस सुंदर लड़की को अपनी गोद में उठा लिया और डोरा तथा अलका की ओर चल दिया। डोरा ने जयरथ के पास आने पर देखा उसकी गोद में एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। चंदा सा बदन, लंबोत्रा चेहरा, सुराहीदार गर्दन, रूप और सौंदर्य की साकार प्रतिमा थी वो। लड़की बेहोश थी। उसकी दोनों बाहों पर 4 लाल निशान थे। एक निशान उसके गाल पर था। जयरथ ने उस लड़की को धरती पर लटा दिया। जयरथ के माथे पर भी निशान थे लेकिन बहुत हल्के। वो पूरी तरह स्वस्थ था। ये लड़की अकेली इस वीरान सुनसान स्थान में क्या कर रही थी, डोरा ने पूछा। पहाड़ी पर रहने की कोई जगह भी नहीं है, ये आई कहाँ से, अलका बोली। हमारे पास इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का समय नहीं है, डोरा ने कहा और फिर उसने जयरथ से पूछा, जयरथ तुम ठीक तो हो ना। हाँ मैं ठीक हूँ, जयरथ बोला। तो इस लड़की को स्कूटर में डालकर जल्दी से डॉक्टर बनर्जी के पास ले जाओ, इसकी ज़िंदगी खतरे में है। डोरा और अलका ने जयरथ की सहायता की, उस लड़की को स्कूटर में बैठा दिया। जयरथ ने स्कूटर में बैठकर उसे थाम लिया और फिर उसका स्कूटर कच्चे रास्ते से होता हुआ दूर निकल गया। क्या हम वापस नहीं चलेंगे, अलका ने पूछा। अभी नहीं, यहाँ में सफ़ेद और भूरे रंग के बादल मिले हैं, तुम अपना बदन पूरी तरह ढक लो, संभव है हमें अपनी कोशिश में सफलता मिल जाए। हमें कोई ऐसा जोहड़ या तालाब मिल जाए जिसमें मेजर साहब के कथानुसार विशेष प्रकार के मच्छर फलते हैं। अलका ने अपने बदन को अच्छी तरह ढक लिया। डोरा और अलका पहाड़ी पर चढ़ने लगी। अभी वे थोड़ी ही दूर गई थी कि उन्होंने गहरा गड्ढा मिला जिसमें गंदला पानी था और पानी की सतह पर मच्छर तैर रहे थे। दोनों ने गड्ढे की ओर
पत्थर मारकर मच्छर उड़ाए। वे साधारण मच्छर थे। उन्होंने दूसरे किनारे पर पत्थर मारे, कुछ मच्छर उड़े और उड़ते समय उनके पीछे भूरे रंग का धुआं निकला। डोरा ने जल्दी से प्लास्टिक का थैला निकाला और उसके कुछ मच्छर भर लिए। इस गड्ढे में अधिकतर साधारण मच्छर ही हैं, विशेष प्रकार के मच्छर बहुत कम है। ये गड्ढा इन मच्छरों के पलने का स्थान नहीं हो सकता। ये विशेष प्रकार के कुछ मच्छर कहीं से उड़कर आ गए हैं, डोरा ने कहा। फिर उसने पहाड़ी पर चारों ओर नजर डाली। उसे कहीं भी कोई असाधारण बात दिखाई न दी। वो पहाड़ी अधिक से अधिक 50 फुट ऊंची थी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, वो सुंदर लड़की इस वीरान पहाड़ी पर क्यों आई थी? इस पहाड़ी पर न कोई पेड़ है, न कोई ओट है। हमारे देखते ही देखते वो निकली कहाँ से? डोरा ने पूछा। हमें कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए, शायद वो अपने किसी प्रेमी की खोज में यहाँ आई हो। प्रेमी को देर हो गई हो और अब वो आने वाला हो। हमें उससे मालूम हो जाएगा कि वो लड़की कौन है, अलका ने राय दी। तुमने ठीक सलाह दी है, हमें यहाँ थोड़ी देर जरूर इंतजार करना चाहिए, डोरा ने कहा। उन दोनों ने पूरे 45 मिनट तक उस लड़की के प्रेमी की प्रतीक्षा उस पहाड़ी पर की, लेकिन कोई ना आया। वे उकता कर वापस चल पड़े। मेघदूत होटल में अन्य दो टुकड़ियां भी वापस आ गई थी। जयरथ ने उनको उस पहाड़ी और उस सुंदर लड़की के विषय में संक्षेप में बता दिया था। अब मेजर व्यग्रता से डोरा की प्रतीक्षा कर रहा था। शाम के 7 बज रहे थे। कलकत्ता से डॉक्टर बनर्जी का सहायक सलील चौधरी पहुंच चुका था। मेघदूत होटल में अन्य दो टुकड़ियां भी वापस आ गई थी। जयरथ ने उनको उस पहाड़ी और उस सुंदर लड़की के विषय में संक्षेप में बता दिया था। अब मेजर व्यग्रता से डोरा की प्रतीक्षा कर रहा था। शाम के 7 बज रहे थे। कलकत्ता से डॉक्टर बनर्जी का सहायक सलील चौधरी पहुंच चुका था। मेजर को एक बात पर बड़ी हैरानी हुई थी। डॉक्टर बनर्जी उस लड़की को देखते ही बुरी तरह चौंक पड़े थे और जब मेजर ने इस चौंकने का कारण पूछा था तो रहस्यपूर्ण ढंग से चुप्पी साध गए थे। सलील चौधरी कलकत्ता से जो इंजेक्शन लेकर आया था उसमें से एक इंजेक्शन उस सुंदर लड़की के लगा दिया गया था, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह होश में नहीं आई थी। उसकी जीभ ऐंठी हुई थी, वो बोलने में असमर्थ थी, लेकिन उसकी नब्ज और उसके दिल की धड़कन बिल्कुल ठीक थी। मेजर ने डोरा की कहानी सुनकर डॉक्टर बनर्जी से कहा, मैं एकांत में आपसे बात करना चाहता हूँ। वो दोनों उठकर सलील चौधरी के कमरे में चले गए। ये कमरा अभी अभी बुक किया गया था, मेजर ने कहा। डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि आपके असिस्टेंटों में जयरथ सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और उस पर यह संदेह किया जा सकता है कि वो गद्दारी कर सकता है। हाँ, जयरथ के संबंध में मेरी यही राय है, डॉक्टर बनर्जी ने कहा। मेरा विचार है कि जयरथ गद्दार है, मेजर ने घोषणा की। आपने अनुमान कैसे लगाया, डॉक्टर बनर्जी ने पूछा। डोरा की रिपोर्ट से अस्पष्ट मालूम हो जाता है कि जयरथ दुश्मन का आदमी है। इस दलील का प्रमाण यह है कि उसे जहरीले मच्छरों ने काटा, लेकिन उस पर उनके जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दुश्मन के पास मच्छर के जहर का तोड़ है। उसने अपने तमाम आदमियों को उस तोड़ के इंजेक्शन लगा दिए ताकि वे निर्भीक होकर काम कर सके। मैं एक आजमाइश करना चाहता हूँ। कैसी आजमाइश? डोरा प्लास्टिक के थैले में कुछ मच्छर लाई है। मैं इन मच्छरों से जयरथ को कटवाना चाहता हूँ। अगर जयरथ पर इन मच्छरों के जहर का प्रभाव न पड़ा तो ये बात निश्चित हो जाएगी कि वो दुश्मन का आदमी है, और अगर प्रभाव पड़ा तो निश्चित रूप से वफादार है। मैं आपको अनुमति देता हूँ, आप ये आजमाइश अवश्य कीजिए, डॉक्टर बनर्जी ने कहा। धन्यवाद, मेजर बोला। डॉक्टर साहब, आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस प्रश्न का? इस सुंदर लड़की कौन है? आप इसे देखकर चौंक क्यों पड़े थे और मेरे पूछने पर आपने चुप्पी क्यों साध ली थी? इससे पहले कि मैं इस लड़की के संबंध में कोई राय दूं, आप बताइए कि लड़की कौन है। मैं सब लोगों के सामने इस लड़की के संबंध में बताना नहीं चाहता था। आप इस लड़की को जानते हैं, मेजर ने हैरान होकर पूछा। हाँ, ये मेरी एक विशिष्ट सहायक है, सोनल भट्टाचार्य। मैंने इसे प्रभात डे के पीछे लगाया था। अचानक ही ये गायब हो गई तो मैंने समझा इसे मार डाला गया, लेकिन आज इसे जीवित देखकर मैं एकदम चौंक पड़ा। मुझे प्रसन्नता हुई कि ये जीवित है। इसका अर्थ ये है कि प्रभात डे दिल्ली में है, मेजर ने कहा। हाँ, इसे तो यही प्रकट होता है। क्या आपके अन्य सहायक सोनल भट्टाचार्य से परिचित नहीं है? नहीं, डॉक्टर बनर्जी ने कहा। मैं अभी तक ये सोच रहा हूँ कि सोनल उस पहाड़ी पर क्या कर रही थी और जीवित होते हुए इसने मुझसे कलकत्ता में संपर्क स्थापित क्यों नहीं किया।
क्या सोनल के बच जाने की आशा है? कुछ कह नहीं सकता, डॉक्टर बनर्जी ने कहा। शायद नया इंजेक्शन काम कर जाए। सोनल का होश में आना बहुत जरूरी है, मेजर बोला। और फिर डॉक्टर बनर्जी को अर्थपूर्ण निगाहों से देखते हुए उसने पूछा, आप वास्तव में कौन हैं? आप एक विख्यात वैज्ञानिक तो हैं ही, लेकिन इसका अतिरिक्त भी कुछ है। हाँ, डॉक्टर बनर्जी हंसने लगी और बोले, क्या आपको मुझ पर संदेह हो रहा है? आपका संदेह उचित है। समय आने पर मैं आपको बता दूंगा कि वास्तव में मैं कौन हूँ। मेजर ने और कोई प्रश्न नहीं किया। उसने डॉक्टर बनर्जी को इशारा किया कि वो कमरे में चले, वो थोड़ी देर बाद उनके कमरे में पहुंच जाएगा। कुछ देर बाद मेजर ने डॉक्टर बनर्जी के कमरे में पहुंचकर कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपनी आजमाइश शुरू करना चाहता हूं। डॉक्टर बनर्जी एक पल चुप रहे और फिर जैरत की ओर मुँह करके बोले, जैरत, हमें संदेह है कि तुम दुश्मन के आदमी हो। डॉक्टर बनर्जी के इन शब्दों को सुनकर सबके मुँह खुले के खुले रह गए। जैरत का रंग पीला पड़ गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके होठ केवल कांप कर आ गए। डॉक्टर बनर्जी ने कहा, हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं जैरत, तुम्हें परीक्षा देनी ही होगी। जैरत कुछ न कह सका। डोरा, तुम प्लास्टिक का थैला लाओ जिसमें तुम जहरीले मच्छर भरकर लाई थी, मेजर ने कहा। जैरत भांप गया कि उसे किस प्रकार की परीक्षा का सामना करना होगा। वो कांपने लगा। सबके बदन में थरथरी पैदा हो गई। उसने प्रार्थना की, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपका वफादार हूँ। तुम गद्दार हो या वफादार, इसका सही उत्तर मच्छर देंगे, मेजर ने कहा। कुर्सी पर बैठ जाओ जैरत। जैरत चुपके से कुर्सी पर बैठ गया। उसकी टांगें बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। डोरा प्लास्टिक की थैली ले आई। डॉक्टर बनर्जी ने डोरा से वो थैली ले ली। उन्होंने बड़ी सावधानी से उस थैली को ऊपर से थोड़ा सा फाड़ दिया और फिर वो थैली जैरत के माथे से लगा दी। दो मच्छर थैली में से निकले। उन्होंने जैरत के माथे पर डंक मारे। डॉक्टर बनर्जी ने मच्छरों पर हाथ मारकर उन्हें मार डाला और फिर थैली फर्श पर गिराकर उसे जूते से मसल दिया। 3-4 मिनट तक सब लोग जैरत की ओर देखते रहे। 5 मिनट बाद जैरत अपनी बाईं टांग अपने दोनों हाथों से मलने लगा। मेरी बाईं टांग सोई जा रही है। फिर उसने अपने हलक की ओर हाथ बढ़ाया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके हलक से कोई आवाज़ नहीं निकली। फिर वो बेहोश हो गया। डॉक्टर बनर्जी ने प्रसन्न होकर कहा, मेरा जैरत वफादार है। इस पर मच्छरों के जहर का असर पूरी तरह हो चुका है, लेकिन इसके माथे पर छाले क्यों नहीं उभरे, मेजर ने कहा। कहीं ये बेहोश होने का बहाना तो नहीं कर रहा। डॉक्टर बनर्जी को भी संदेह हुआ। उन्होंने अपने बैग में से एक नस्तर निकालकर जैरत की बाहों में चुभो दिया। जैरत ने बिल्कुल हरकत न की, वो कराह तक नहीं। जैरत सचमुच बेहोश हो गया है, डॉक्टर बनर्जी ने कहा और तेजी से सिरिंज में इंजेक्शन भरने लगे। उन्होंने इंजेक्शन जैरत को लगा दिया। इतने में सोनल भट्टाचार्य ने करवट बदली। फिर उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। डॉक्टर बनर्जी को देखकर वो मुस्कुराई, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। डॉक्टर बनर्जी ने उससे कुछ प्रश्न किए, लेकिन वो कोई उत्तर ना दे पाई। डॉक्टर बनर्जी ने उसके सामने कागज और कलम रख दिया, लेकिन सोनल कुछ लिख भी नहीं पाई। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। डॉक्टर बनर्जी ने कागज और कलम उसके सामने से हटाकर कहा, अभी सोनल हमारे किसी प्रश्न का उत्तर देने योग्य नहीं हुए, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो बच गई। मेजर बलवंत को ये चिंता हो रही थी कि उसकी आजमाइश कहीं जैरत के प्राण न ले ले। सब लोग रात के 11:30 बजे तक चिंता में डूबे जैरत के पास ही बैठे रहे। 11:30 के बाद डॉक्टर बनर्जी ने घोषणा की कि अब जैरत खतरे से बाहर है। उसकी जीव भी थोड़ी थोड़ी हरकत करने लगी है। ये शुभ समाचार सुनकर मेजर ने मालती से कहा कि वो मेज पर हिस्की की बोतलें सजा दे और खाने का ऑर्डर दे दे। तभी सुधीर ने रिपोर्ट दी कि नवजीवन स्कूल की बिल्डिंग का मालिक मिस्टर और मिसेज कपूर के विषय में कुछ नहीं जानता। उसे साल भर का किराया पेशगी मिल गया था, इसलिए उसने उसके विषय में कुछ भी पूछने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं की थी। सुबह के धुंधलके में 5:30 बजे कालकाजी कॉलोनी और मोहम्मद तुगलक के किले के बीच 50 फुट ऊंची एक पहाड़ी पर दो साए टहल रहे थे। वे डोरा और मेजर बलवंत के साए थे, जो काले लिबास में ढके हुए वहां घूम रहे थे। मेजर उस गड्ढे को देखना चाहता था जिसमें डोरा को जहरीले मच्छर मिले थे। मेजर ने गड्ढे के अंदर घुसकर गड्ढे की खूब अच्छी तरह जांच की, लेकिन उसे गड्ढे के अंदर कोई विशेष चीज नहीं मिली। फिर भी वो अपनी खोजबीन आसानी से बंद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो गड्ढे के ऊपर आकर उसके किनारों के आसपास की धरती की जांच करने लगा। अचानक उसे लोहे के दो गोल कुंडे गड्ढे दिखाई दिए। वो घुटनों के बल बैठ गया और हाथ में उन कुंडों के आसपास की धरती खोदने लगा। उसे इन कुंडों में दो मोटे रस्से बंधे दिखाई दिए।
कुंडों के गोल मुंह से शुरू होकर वे रस्से मिट्टी की तह में से गुजर कर गड्ढे के अंदर जा रहे थे। वहाँ मिट्टी कुछ ऐसी थी कि रस्सों को मिट्टी से उठाकर दोबारा छोड़ देने पर वे फिर मिट्टी में छिप जाते थे। मेजर के होठ गोल हो गए और वो सीटी बजाने लगा। आपने कौन सी बात मालूम की है? डोरा ने मेजर को सीटी बजाते देखकर पूछा। डोरा, ये कुंडे मिट्टी में छिपे हुए थे, इसलिए तुम इनको देख नहीं पाई। तुम यहीं ठहरो, मैं इन रस्सों के सहारे गड्ढे के अंदर जा रहा हूँ, मेजर ने कहा और गड्ढे के अंदर उतरने लगा। डोरा सावधान होकर ऊपर खड़ी रही। मेजर बलवंत के पैर गड्ढे की तह से जा लगे। गड्ढे की तह ठोस थी, गड्ढे में घुटनों तक ही पानी था। मच्छरों के झुंड उसके आसपास उठने लगे, लेकिन किसी भी मच्छर के पीछे भूरा धुआं नहीं उड़ रहा था। मेजर बलवंत ने ऊपर आकर कहा, ये गड्ढा रहस्यपूर्ण नहीं है, लेकिन इन दो मोटे रस्सों का रहस्य मैं अभी तक जान नहीं पाया हूँ। इस गड्ढे का पानी निकालकर इसकी सफाई करनी होगी, फिर शायद कोई बात मालूम हो सके। आओ अब चले। होटल में आकर मेजर ने फोन पर इंस्पेक्टर सचदेव को उस गड्ढे का पता बताकर कहा कि वो 2 घंटे के अंदर अंदर उस गड्ढे का पानी निकलवा कर उसकी अच्छी तरह सफाई करा दे। इंस्पेक्टर सचदेव को फोन करने के बाद मेजर ने अपने साथियों से कहा, आज का दिन फिर अत्यधिक व्यस्तता का दिन होगा। अचानक उसे ख्याल आया, सोनिया वहाँ नहीं थी। उसने पूछा, सोनिया कहाँ है? अभी अभी कॉमन बाथरूम की ओर नहाने गई है, मालती ने उत्तर दिया। कॉमन बाथरूम में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस कमरे में 2 बाथरूम हैं, एक में मैं और दूसरे में सुधीर नहा रहे थे, इसलिए वो 6 कमरों के कॉमन बाथरूम में चली गई। इतने में सोनिया नहाकर लौट आई। उसके चेहरे पर विचित्र से भाव थे। मेजर उसे पूछने वाला ही था कि सोनिया ने उंगली का इशारा करके उसे कमरे के कोने में बुलाया। वो बहुत ही धीमी आवाज में मेजर से बातें करती रही। सोनिया बोलती रही और मेजर उसे बीच बीच में कुछ पूछता रहा। उसके पूछने के ढंग से आश्चर्य प्रकट हो रहा था। सोनिया की बात सुनकर मेजर नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। नहाते नहाते उसे सोनिया की बात याद आ गई तो बदन पर पानी उंडेलता हुआ साबुन लगाना भूल गया। मेजर के साथियों को आश्चर्य हो रहा था कि मेजर ने नहाते हुए इतनी देर की हुई। आज उसने और दिनों की अपेक्षा अधिक देर आखिर क्यों लगाई? मेजर ने बाथरूम से आकर पार्टीशन के पीछे तेजी से कपड़े बदले, फिर वो डॉक्टर बनर्जी के कमरे में चला गया। डॉक्टर बनर्जी अपने साथियों के साथ नाश्ता कर रहे थे। सोनल भट्टाचार्य बड़ी कठिनाई से दूध पी रही थी। उसके गले की सूजन अभी कम नहीं हुई थी। डॉक्टर बनर्जी के कमरे में अलका चौधरी नहीं थी। जयरथ टोस्ट और अंडे खा रहा था। मेजर ने उससे कहा, जयरथ क्या तुम 1 मिनट के लिए अपनी शर्ट उतार सकते हो? मेजर के इस प्रश्न पर सबका मुंह तकने लगा। जयरथ ने बिना कुछ कहे अपनी शर्ट उतार दी। मेजर ने उसकी पीठ देखी और फिर जयरथ से कहा, अपनी शर्ट पहन लो। इसके बाद मेजर सोनल भट्टाचार्य के पास गया। उसने बड़ी शिष्टता से कहा, मिस सोनल क्या तुम अपनी गर्दन का पिछला हिस्सा नंगा करके दिखा सकती हो? सोनल हिचकिचाई। फिर उसने बड़ी सावधानी से, जिस तरह स्त्रियाँ घाट पर पुरुषों की उपस्थितियों में कपड़े उतारती है, अपना ब्लाउज इस तरह उतारा कि उसकी पीठ नंगी हो गई। उसकी पीठ पर गर्दन के नीचे जहाँ से कंधे शुरू होते थे एक सफ़ेद निशान था, वैसा ही निशान जैसा गोपीनाथ की गर्दन के नीचे था। मेजर के होठ गोल हो गए, लेकिन वो सीटी न बजाकर तेजी से डॉक्टर बनर्जी की ओर मुड़कर बोला, डॉक्टर साहब सोनल को गायब हुए कितने दिन हुए? 5 सप्ताह, डॉक्टर बनर्जी ने कहा। क्या आपने इनकी गर्दन के नीचे निशान देखने के लिए इनके कपड़े उतरवाए थे? जी हाँ, सोनल की गर्दन के नीचे वो निशान मौजूद है, दुश्मन का निशान। क्योंकि सोनल अभी बोल नहीं पा रही है, इसलिए मैं अभी इस निशान की पहेली को सुलझा नहीं सकता। जी हाँ, सोनल की गर्दन के नीचे वो निशान मौजूद है, दुश्मन का निशान। क्योंकि सोनल अभी बोल नहीं पा रही है, इसलिए मैं अभी इस निशान की पहेली को सुलझा नहीं सकता। सोनल की हालत मेरी समझ में नहीं आ रही। एक ही इंजेक्शन लगने के बाद जरत बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन 2 इंजेक्शन लग जाने पर भी सोनल पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई है। आखिर क्यों? डॉक्टर बनर्जी ने चिंतित स्वर में कहा। मैं आपको बताता हूँ कि सोनल को अभी तक आराम क्यों नहीं आया, मेजर ने कहा। सोनल को बहुत से मच्छरों ने काटा है, इसलिए इसके शरीर में जहर की मात्रा अधिक है। शायद अभी 2 दिन और सोनल बोलने के योग्य ना हो सके। जयरथ को केवल 2 मच्छरों ने काटा था, इसलिए वो जल्दी अच्छा हो गया। आपकी दलील उचित है, डॉक्टर बनर्जी ने कहा।
मैं अभी अभी जो दलील प्रस्तुत की है उसे मैं अंतिम रूप से उचित नहीं समझता, फिर भी मेरी ये दलील पहली दलील से कहीं अधिक ठोस है। दुश्मन ने पहले जिन मच्छरों का प्रयोग किया था वे मच्छर अधिक जहरीले नहीं थे, इसलिए यशंतराय की पत्नी रत्ना की मृत्यु 4 दिन बाद हुई थी। डॉक्टर ढींगरा की पत्नी संयुक्ता की मृत्यु 8 घंटे बाद हुई थी, लेकिन मिस्टर कपूर और उनकी पत्नी की मृत्यु 2 घंटे में ही हो गई थी। डॉक्टर साहब, क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? जी नहीं, इसका मतलब है कि दुश्मन ने पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली, अधिक विषैले और अधिक खतरनाक मच्छर तैयार कर लिए हैं। मच्छर तैयार कर लिए हैं? डॉक्टर बनर्जी ने पूछा। आप विचित्र बात कर रहे हैं, जरा साफ साफ और खोलकर समझाइए, अभी विस्तार से बताने का समय नहीं है, मेजर ने कहा। बस इतना समझ लीजिए कि हमारा दुश्मन बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा है। उसने पहले से और भी कई गुने ज़्यादा खतरनाक और विषैले मच्छर तैयार कर लिए हैं और उस मच्छरों से वो पूरे जन समुदाय को ही नाश कर देना चाहता है, संसार के सारे लोगों का सर्वनाश कर देना चाहता है। और दुख की बात यह है कि अभी तक हम उस दुश्मन को पहचान भी नहीं पाए हैं। आदरणीय श्रोता, तो ये थी हमारी आज की उपन्यास की 6वीं एपिसोड स्टोरी विथ अरुण पर। अभी आप लोग सुन रहे थे कर्नल रंजीत के लिखी उपन्यास वुडी फरछाई। सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री से भरपूर इस उपन्यास की ये 6वीं एपिसोड थी और इसे आगे की कथानक इसके 7वें एपिसोड में आप लोग सुन सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी इसी नॉवेल के 7वें एवं इसकी आखिरी एपिसोड के साथ। तब तक लिए दीजिए अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाज़त। नमस्कार।